एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक पर बल आघूर्ण, टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट, इन्हें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मान लेते हैं कि एक दंड चुंबक NS है, यानी चुंबक का एक सिरा उत्तरी ध्रुव N तथा दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव S है। मान लेते हैं कि चुंबक का प्रभावकारी लंबाई यानी उत्तरी ध्रुव N से दक्षिणी ध्रुव S के बीच की दूरी 2L है। इस चुंबक का ध्रुव प्राबल्य स्मॉल m है। दंड चुंबक NS एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B यानी जिसकी दिशा एवं परिमाण बराबर हो के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। अब उत्तरी ध्रुव N पर लगने वाला बल बराबर ध्रुव प्राबल्य स्मॉल m गुणित चुंबकीय क्षेत्र B। इसकी दिशा क्षेत्र B के दिशा में होगी। दक्षिणी ध्रुव S पर लगने वाला बल बराबर स्मॉल m गुणित कैपिटल B। इसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगी। यहां पर चुंबक पर दो बल कार्य करता है। दोनों बल का परिमाण बराबर परंतु विपरीत दिशा में होती है। ये दोनों बल बल युग्म का निर्माण करते हैं। यह बल युग्म चुंबक को घुमाकर चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर लाने का प्रयास करता है। इस बल युग्म को प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। हम जानते हैं कि प्रत्यानयन बल युग्म बराबर एक बल का परिमाण गुणित दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। इसलिए टाउ बराबर बल एम बी गुणित लंबवत दूरी एन पी। यहां पर लंबवत दूरी ज्ञात करने के लिए बल की क्रिया रेखा को पीछे की ओर बढ़ाएं, तभी लंबवत दूरी एन पी हुआ। अब समकोण त्रिभुज NSP में साइन थीटा बराबर लंब NP बटे कर्ण NS होगी। इसलिए NP बराबर NS साइन थीटा होगी, परंतु NS बराबर 2L यानी चुंबक का प्रभावकारी लंबाई। इसलिए NP बराबर 2L साइन थीटा। इस मान को समीकरण एक में रखने पर टाउ बराबर स्मॉल m कैपिटल B इंटू 2L साइन थीटा, परंतु ध्रुव प्राबल्य स्मॉल m इंटू प्रभावकारी लंबाई 2L बराबर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल M होता है। इसलिए टाउ बराबर कैपिटल एम कैपिटल बी साइन थीटा होगी। यही एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे दंड चुंबक पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण के लिए सूत्र है। सदिश रूप में इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। सदिश टाउ बराबर सदिश कैपिटल एम इंटू सदिश कैपिटल बी। सदिश टाउ की दिशा सदिश एम तथा सदिश बी की दिशा के लंबवत होती है। सदिश टाउ का SI मात्रक न्यूटन मीटर होगी तथा इसका विमीय सूत्र एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 होगी। यदि
थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो साइन 0 डिग्री बराबर 0 होगी। इसलिए बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर एम बी साइन 0 बराबर 0 होगी। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन 90 का मान 1 यानी अधिकतम होगी। इसलिए टाउ बराबर एम बी साइन 90 बराबर एम बी यानी अधिकतम होगी।